हाँ तो खा रही हो तो उनको पता नहीं, बाबू नहीं डालेंगे ये वाला चीज, नहीं डालेंगे। तो भाई एक घंटा हो गया, ये देखो यहाँ पे चल रहा है। जल्दी से निकलने के बाद मैं आ गई, मुझे मिला था काम। फ्लावर तो मैं तैयार हो गई हूँ संगीत के लिए, और अब हम फटाफट से जा रहे हैं लॉज पे, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है पहुँचने में। शिट यार, बाहर में बारिश हो रहा है यार, हम बहुत बुरी तरीके से लेट हुए हैं। अभी वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ भी। दुल्हन बैठ गई हमारी, पहुंच गई स्टेज पे। चाची रही क्या कर रही है यार? इन्हीं और उसके दोस्त खाना खा रही है। देखो क्या खा रहे हैं ये लोग, ब्रेड पकौड़ा। क्या कर रहे हो तुम लोग? भूखे थे ना, मत पूछो। हम लोग दिन भर मार्केट घूमे, कुछ खाया भी नहीं ढंग से। क्या बोल रही हो? चैन से खा लेने। हाँ तो खा रही हो तो उनको पता चलना चाहिए ना कि खाई, वीडियो डालना चाहिए। तो ये लड़की इतना रो धो के फाइनली इसने लगा लिया। इसके लिए पता है मैंने छिपा के रखा था फूल, मजाक नहीं कर रही, छिपा के रखा था मैंने इसके लिए। ये आएगी, हाँ पूरे दिन का स्ट्रगल है यार। भाई हमारा डांस वांस हो गया, अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख से मर रहे थे और मैं खाना लेके आई, ये लड़की मेरा खाना खा गई। मजाक कर रही हूँ यार, लड़की तीसरी बार खाना ले रही है। पहली बार लिया था तो मैंने दिखाया नहीं, दूसरी बार दिखाया था और नहीं बाबू नहीं डालेंगे ये वाला चीज़, नहीं डालेंगे। नहीं ये पहली बार ले रही है, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे बाबू अभी खाना खा रहा है, ये वेट, हाँ ये वेट कर रहा था कि सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद हम खाएंगे। कैमरा वाले भैया वहाँ पे मस्त खाना दबा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे चल रहा है मेहंदी का फंक्शन। चाची 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 यार यहाँ पे सब लोग डांस करने के लिए तैयार हैं और कैमरे वाले भैया का बैटरी खत्म हो गया। ठीक है आप लोग कैमरा मैन क्या Thank you.
बस हो गया। हल्दी से निकलने के बाद मैं आ गई, मुझे मिला था काम फ्लावर्स वगैरह लाने का, तो ये देखो मैं आई हूँ फ्लावर्स के शॉप पे। उधर कुछ फ्लावर्स मैं दुल्हन के लिए ले रही हूँ, और पता इतना सारा काम मुझे मिल गया है ना कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं यार, देख के ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, पर मैंने बहुत कम लिया है फ्लावर्स। मैं घर आ गई, और घर आने के बाद देखो मुझे क्या दिखता है। पूजा दीदी मस्त एकदम सारा ज्वेलरी का जो भी सामान था, मेकअप का सामान था, सब सजा के रखी है ताकि जब हम मेकअप करें तो सब कुछ टाइम टू टाइम मिल जाए, कुछ रहे ना बाकी। तो फटाफट से मैं तैयार हो लेती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मेरे ऊपर का कुर्ता, और इसके नीचे आने वाला है शरारा। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अभी मैंने फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया है, सिर्फ फेस पे ऑयल लगाया है। मेकअप करने से पहले मैं लगाती हूँ ऑयल या सनबर्न। पूजा दीदी अभी लेटी हुई है मस्त अपना फेस पैक लगा के, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ, जिससे कि उसको मिरर जो है वो मिल जाए खाली। तो बस मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो ज़्यादा नहीं, बस मैंने अभी सिर्फ फाउंडेशन लगाया है। अभी देखते हैं यार कि क्या कुछ करना पड़ता है। मैंने कुछ सोचा है, मतलब कुछ करने का क्या सोचा है वो आप वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। तो मेकअप तो ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। बालों के लिए मैं लेके आई हूँ फूल, तो मैं जा रही हूँ गजरा लगाने के लिए। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो फाइनल लुक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बालों में कॉम कर लिया है, और ये है मेरा इयररिंग जो कि मैं पहनने वाली हूँ। अभी बताना कैसा लग रहा है ये। पहले ना मैं बाल को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये इयररिंग पहनूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, सच में बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं बाल बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इयररिंग पहनूंगी। तो मेरा ना मन अचानक से बदल गया, मैं सोच रही हूँ कि अपने हेयर को कर्ली कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत मतलब लास्ट डे भी मैंने जूड़ा बनाया था। तो वैसे मैं मेहनत के कारण सोच रही थी कि कर्ली ना करूँ, पर मैं अब सोच रही हूँ कि कर्ली कर लेती हूँ पूरे बाल को, फिर देखती हूँ कि कैसा लगता है। तो भाई एक घंटा हो गया मुझे मेरे बाल बनाते हुए, मैं सच में गंदा वाला थक गई हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये मैंने बालों में फ्लावर्स लगाए हैं, तो कैसा है मेरा लुक प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे जो वीडियो बनेगा उसमें पूरा शादी का व्लॉग आने वाला है, और पूजा दीदी ने क्या पहना है, पूजा दीदी कैसी लग रही है, वो सब कुछ आने वाला है। तो मेरा ड्रेस कैसा लगा ये प्लीज कमेंट करके बता देना। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे आगे की भी वीडियोस बनानी है। ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर रही हूँ। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।